एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अंकुश भारद्वाज। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन इन 2022 अकॉर्डिंग टू योर बजट, जो आपके वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग्स में आपको बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट्स दे पाए। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम 5 बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन की बात करने वाले हैं, जिनको मैंने अपनी रिसर्च के बाद आपके लिए लिस्ट डाउन किया आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो पहले हम बात करेंगे, उसके बाद आपको एक वोकल क्वालिटी टेस्ट सभी माइक्रोफोन का मैं सुनाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SE इलेक्ट्रॉनिक्स का X1A माइक्रोफोन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, SE इलेक्ट्रॉनिक्स का X1A माइक्रोफोन है, जो कि एक एंट्री लेवल कंडेंसर माइक्रोफोन मैं कह सकता हूं, जिसे आप अपने वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप अपना होम स्टूडियो सेटअप करने की सोच रहे हो और चाहते हो कि इतना ज्यादा आप शुरू में इन्वेस्ट ना करें एक कंडेंसर माइक्रोफोन के लिए, तो आप इस माइक्रोफोन के लिए जा सकते हो, जो कि अराउंड 7800-7900 में आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। ये एक चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड माइक्रोफोन है, तो अगर आपका बजट 7000-8000 के बीच है तो आप ये माइक्रोफोन के लिए जा सकते हो। तो हमारा जो आज का सेकंड कंडेंसर माइक्रोफोन है वो है ऑडियो टेक्निका का AT2020, जो कि एक एंट्री लेवल कंडेंसर माइक्रोफोन मैं इसे भी कह सकता हूँ। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि SE इलेक्ट्रॉनिक्स X1A माइक्रोफोन ले या फिर AT2020 ले, इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप AT2020 में इन्वेस्ट कीजिए। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1000 रुपए का डिफरेंस है। बट अगर आपका यूज ज्यादा वोकल रिकॉर्डिंग के लिए होता है माइक्रोफोन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा AT2020 के लिए जाइए। बट अगर आप दोनों, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी रिकॉर्ड करते हो वोकल्स भी रिकॉर्ड करते हो, तब आप सोच सकते हो कि SE इलेक्ट्रॉनिक्स का जो माइक्रोफोन है X1A, उसके लिए आप जा सकते हो। इन दोनों का एक वोकल टेस्ट भी मैं बाद में दिखाऊंगा, बट मैं मेरी जो सजेशन रहेगी, अगर आप वोकल्स रिकॉर्डिंग के लिए चाहना चाहते हो तो आप 82020 में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के थर्ड कंडेंसर माइक्रोफोन, जो कि है लुइट का LCT240 Pro, जो कि एक ऑस्ट्रिया यूरोप मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड है, जिसके वोकल्स आप अभी सुन रहे हो। ये है लुइट का LCT240 Pro। अभी मैंने आपकी तरफ इसे रोटेट कर दिया तो आपको वोकल्स मतलब उतनी डायनामिक रेंज के साथ नहीं सुन रहे होंगे। जैसे ही मैं इसे इधर करूंगा तो आप उसे क्लियरली सुन सकते हो, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो होती है कार्डियोड शेप, बलून शेप, जो कि सामने से ही रिकॉर्ड करता है। मतलब ओमनी डायरेक्शनल ये माइक्रोफोन नहीं है, इधर उधर की जो हमारी वॉइसेज है वो रिजेक्ट कर देता है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम गाना रिकॉर्ड करते हैं, वो सामने से ही होता है। मोस्टली कंडेंसर माइक्रोफोन में कार्डियोड शेप ही होती है। ये एक अराउंड 12,000 बजट का माइक्रोफोन है, आप अमेजन पर इसे परचेज कर सकते हो। इन सभी माइक्रोफोन्स के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हो तो आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फोर्थ कंडेंसर माइक्रोफोन की ओर, जो है ऑडियो टेक्निका का 82035। इससे पहले हमने 82020 की बात करी थी, जो कि अराउंड 9,000 रुपीज का था। इन दोनों में डिफरेंस मैं बता दूं, ये एक लार्ज डायफ्राम कंडेंसर माइक्रोफोन है, वो एक नॉर्मल कंडेंसर माइक्रोफोन था। तो आप इसे इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग्स एंड वोकल रिकॉर्डिंग्स के लिए प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो। उस माइक्रोफोन का जो प्रॉपरली यूज़ था वो वोकल रिकॉर्डिंग्स के लिए था। इसके साथ आपको एक शॉक माउंट भी मिलेगा। तो इसका जो पर्पस है वो है वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डिंग्स। ये अराउंड 14,000 की रेंज में आपको अमेजन पर मिल जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने फर्स्ट माइक्रोफोन की बात करी थी SE इलेक्ट्रॉनिक्स का X1A, उसमें दो आपको बटन्स मिल जाएंगे माइक्रोफोन के ऊपर, जो कि जिनका यूज़ है कि एक फर्स्ट जो है वो है आपकी डायनामिक रेंज को इंक्रीज करने के लिए होता है, जो 0 से -20 डेसिबल्स तक आप उसे डायनामिक रेंज को इंक्रीज कर सकते हो। और उस माइक्रोफोन में जो सेकंड बटन है उसे आप आसपास की जो नॉइज़ है उसे एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब जब आप वोकल रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो तो आसपास की नॉइज़ उसे रिड्यूस कर सकते हो। तो मैं एक बेस्ट माइक्रोफोन बजट रेंज में उसे कह सकता हूँ, अराउंड 8000 के सेटअप में आपको वो मिल जाएगा, अगर आप अपना होम स्टूडियो सेटअप करना चाहते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के फिफ्थ एंड बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन की ओर, जो कि है मेरा फेवरेट रोड का NT1A, जो कि मैक्सिमम होम स्टूडियो सेटअप में यूज होता है। आपने भी देखा होगा, ब्लैक कलर में भी आता है और ये गोल्डन सिल्वर कलर में भी आता है। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड है और आज की डेट पर भी ये बेस्ट माइक्रोफोन मार्केट में चल रहा है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहो अराउंड 20,000 के बजट में आपको ये मिल जाएगा। तो ये थे हमारे आज के बेस्ट 5 कंडेंसर माइक्रोफोन। चलिए अब करते हैं इनका एक वोकल क्वालिटी टेस्ट। चलिए सबसे पहले करते हैं ऑडियो टेक्निका के AT2020 का वोकल क्वालिटी टेस्ट। Two hearts, 3 days forever you'll be gone. Two hearts, 3 days forever you'll be gone. अब करते हैं लुइट LCT240 Pro के वोकल क्वालिटी टेस्ट। Two hearts, 3 days forever you'll be gone. Two hearts,
three days forever you'll be gone. तो इससे पहले हम ऑडियो टेक्निका के 82035 का वोकल क्वालिटी टेस्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने हेडफोन्स नहीं डाले तो उन्हें डाल लीजिए, तभी आप वोकल क्वालिटी को अच्छे से पहचान पाओगे। hearts, तो जैसा आप देख सकते हैं दोनों देखने में तो एक जैसे ही माइक लगते हैं, बट वोकल्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। Three days forever you'll be gone. तो अब करते हैं ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स का X1A का टेस्ट। Two hearts, three days forever you'll be gone. तो अब करते हैं मेरे फेवरेट माइक्रोफोन का Rode NT1A का वोकल टेस्ट। Two hearts, three days forever you'll be gone. Two hearts, three days forever. तो जैसा कि आपने अभी सब पांच माइक्रोफोन्स की वोकल क्वालिटी सुन ली है, अब हम करेंगे एक मिस्ट्री वोकल क्वालिटी टेस्ट। आपको पहचानना इन पांचों में से कौन से माइक्रोफोन की वोकल क्वालिटी हो सकती है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। You'll be gone, two hearts, three days forever you'll be gone. Two hearts, three days forever. तो पहचानिए इन पांचों में से कौन से माइक्रोफोन की वोकल क्वालिटी हो सकती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। कीप वॉचिंग कैंपस इमो, पीस आउट।